संख्या 5.2 क्वेश्चन पे ध्यान देना। 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तांबे की तार में 1.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। ये हमारे तांबे का तार मान लिया हमने, और ये इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर, और इसके अंदर जो धारा बह रही है उस धारा का मान दे रखा है 1.5 एम्पीयर। इसमें चालक इलेक्ट्रॉनों की औसत अपवाह चाल का आलंकन कीजिए, अर्थात अपवाह वेग VD के मान क्या करनी बेटा हमें गणना करनी है। मान लीजिए कि तांबे के प्रत्येक परमाणु धारा में के प्रवाह में एक चालक इलेक्ट्रॉन का योगदान करता है, अर्थात ऐसा मानना है कि तांबे का एक इलेक्ट्रॉन धारा में क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, धारा के बहने में क्या कर रहा है, योगदान। तो हम बोलेंगे कि जितने परमाणु हैं उतने ही क्या रहेंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस परमाणु के सारे इलेक्ट्रॉन भागीदार नहीं बन रहे हैं, इस परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन धारा के प्रवाह में भागीदार है। तो हम क्या करेंगे, परमाणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे तो धारा प्रवाहित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात हो जाएगी। क्लियर है? उसके बाद क्या देखा है, तांबे का घनत्व डेंसिटी 9 × 10³ kg/m³ तथा परमाणु द्रव्यमान, जो आपके पास तांबा है कॉपर है, उस कॉपर का परमाणु द्रव्यमान दे रखा है बेटा 63.5 AMU एटॉमिक मास यूनिट। इस एटॉमिक मास यूनिट को मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा, 10⁻³ कितना हो जाएगा बेटा -3 kg। देखिए वो आपके पास किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। ऐसे सिस्टम के अकॉर्डिंग आपने धारा व अपवाह वेग के मध्य संबंध पढ़ा है, I बराबर कितना होता है NeA Vd। तो अपवाह वेग का मान कितना हो जाएगा, I बट्टे में NeA, धारा है, क्षेत्रफल है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 × 10⁻¹⁶, वो भी है। N क्या होता है बेटा, इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N क्या होता है बेटा, इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब ये हमारे पास नहीं है, यही यहां ज्ञात करना है, तो उसके लिए सूत्र बनेगा। देखो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बट्टा आयतन। मुझे क्या चाहिए, इकाई आयतन, अर्थात घनत्व बट्टा द्रव्यमान किसके बराबर होगा, इकाई आयतन। तो इकाई आयतन हो गया रो बट्टा एम। रो बट्टा एम से तो क्या है, इकाई आयतन में परमाणु प्राप्त होंगे। इकाई आयतन में क्या होंगे, आपके पास परमाणु, अब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है उसको ज्ञात करने के लिए इसको अवोगाड्रो संख्या से गुणा कर देंगे, एन ए से हम लोग गुणा कर देंगे। तो ये क्या बताता बेटा, इकाई आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास होंगे। तो रो का मान दे रखा है कितना बेटा, 9 × 10³। अवोगाड्रो संख्या आपको पता है कितनी होती, 6 × 10³³ बट्टा द्रव्यमान दिया हुआ है कितना बेटा, 63.5 × 10⁻³ 9 × 6 = 54 बट्टा 63.5 × 2326। माइनस तीन ऊपर जाएगा प्लस तीन हो जाएगा, तो 2603 कितना होगा, 10⁻²। 54 बट्टा 63.5, इस मान को हम लोग सोल्व कर लेंगे आपके पास, तो 54 / 63.5 बेटा ये आएगा 0.85 × 10³³। ये तो किसका मान आया बेटा आपके पास, ये आया इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मुझे क्या ज्ञात करना है, अपवाह वेग। तो अपवाह वेग ज्ञात करने के लिए क्या जाएगा बेटा, VD बराबर कितना, I। I का मान दे रखा है 1.5 बट्टे में क्या बेटा N। N का मान भी आपने निकाला 0.85 × 10³ कितना बेटा 29 गुना ई, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ गुना क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दे रखा है 1 × 10⁻³ सॉल्व आउट करो, 29 से -19 काटा बेटा कितना बचेगा, प्लस का 10, 10 से -7 काट लो कितना -3। तो अपवाह वेग कितना हो जाएगा, 1.5 बटे 0.85 को 1.6 से क्या करना पड़ेगा, गुना। तो गुणा कर लेते हैं इसको, इससे गुणा करना बालक, 0.85 × 1.6
ये होगा बेटा 1.36, ये माइनस 3 है ऊपर जाएगा, 10 का कितना हो जाएगा बेटा, सॉरी ये प्लस 3 बचेगा ना, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3 आपके पास। अरे 10 बचा था, 10 में से माइनस 3 काटोगे तो प्लस 3 बचेगा, और प्लस 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3। अब क्या करना बेटा, 1.5 में भाग देना है 1.36 का, तो 1.5 में भाग दिया 1.36 का, ये होगा बेटा 1.10, 10 का कितना माइनस 3। क्या क्या हुआ, अपवाह वेग, वेग है तो मात्रा क्या बनेगा मीटर पर सेकंड।